अगर धारावी के पेशेंट कम हो सकते तो मुमरा के क्यों नहीं, अगर मालेगांव के पेशेंट कम हो रहे हैं तो मुमरा के क्यों नहीं हो सकते। वो सभी को धमकी दी, मैं प्रेफायर करूंगा, आप कौन होते हैं? व्हाट्सएप पे मजा लेने वाले घर से नीचे नहीं उतरते, ग्लोव्स डाल के घर में ही बैठते, ग्लोव्स से ही वो ऑपरेट करते। ये मालूम के हम वोट के नजदीक जा रहे हैं तो भी पैकेट घर घर में बांटा है, आप लोग कालसेकर के ऊपर उंगली कर रख देते हो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएमवली स्थित नाइस वर्ल्ड में कलवा मुमरा के आमदार व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मुमरा शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने विरोधियों को व्हाट्सएप पर खेलने पर निशाना साधा और शहर के डॉक्टरों को भी सलाह दी। गृह निर्माण मंत्री का कहना है कि किसी भी डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाता है, अगर उसे बुखार है तो उसे दवा देकर घर ना भेजे, उसे मनपा अस्पताल भेजे या फिर कोविड की जाँच करवाए। अगर सही समय पर कोरोना का पता चलता है तो मरीज ठीक हो सकता है। साथ ही ये भी कहा कि लोग कालसेखर अस्पताल पर उंगली उठाते हैं, मगर कालसेखर अस्पताल तक जब पहुंचते हैं ये मरीज तो काफ़ी देर हो चुकी रहती है। 40-50% ऑक्सीजन मरीज के शरीर में बचा रहता है तो उसे बचाने में मुश्किल हो जाती है। अगर आपके शरीर में 92% से कम ऑक्सीजन है तो कोविड की जांच करें। साथ ही ये भी जानकारी दी कि जल्द ही एक्सरे के जरिए मुमरा शहर में जांच होगी, वो भी बिल्कुल फ्री। पहले 450 रुपये तक लेने की बात सामने आई थी, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो भी चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान के संस्था द्वारा बिल्कुल फ्री किया जाएगा। साथ ही विरोधियों पर भी मंत्री जितेंद्र आव्हाड निशाना साधा, कहा सिर्फ घर में बैठकर व्हाट्सएप पर खेलना जानते हैं, लॉकडाउन में किसी की मदद किया है क्या? हमने मदद की है, हक से कह सकते हैं। वहीं एमएमवली कब्रिस्तान पर भी कहा कि अगर एमएमवली का ये कब्रिस्तान नहीं होता तो शहर के हालात आज क्या होते, आज इसी कब्रिस्तान से शहर की सेवा हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जितेंद्र आव्हाड और शमीम खान, जफर नुमानी, रेहान पीतलवाला और भी ऐसे कई नगर सेवक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने और शमीम खान ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। यहाँ पे जो मसला थे उसमें से एक बहुत सख्त से बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर से अपील करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप पेशेंट से मत बात करें। पेशेंट को अगर फीवर है तो आप स्ट्रेट म्युनिसिपैलिटी के फीवर क्लिनिक में भेजिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की सलाह दीजिए। ये लो दवाई, बुखार है, कुछ नहीं है, ये बोल के आप उसको मौत के कुएं में ढकेल रहे हैं। 4 दिन के बाद उसको ब्रेथलेसनेस हो जाता है, सांस उसकी अटक जाती है और फिर वो हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ के मौत का दरवाजा आप खोल देते। जब आपको मालूम है कि शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं तो मैं डॉक्टर से अपील करना चाहूँगा कि आपके पास फीवर का पेशेंट आया, रुकिए मत, उसको तुरंत एक तो टेस्ट करवा लीजिए, नहीं तो उसको स्ट्रेट कोविड का सब ये इलाज करना शुरू करें। मुमरा में जो हादसे बढ़ रहे हैं इसकी वजह आप आशीर् वाफरीन इधर बैठी है, सबसे बड़ा वो हॉस्पिटल है, आप लोग कालसेकर के ऊपर उंगली कर रख देते हो। कालसेकर को आदमी तब पूछता है जब वो पूरा कोलैप्स हो, यानी जो ऑक्सीमीटर लगाते हैं, ऑक्सीजन की जो गिनती शुरू होती है, मेरा जब किया था, मैं जब फंस गया था तो मेरा ऑक्सी लेवल 70 पे आया था। इसके पास जो केसेस जाती है ऑक्सी लेवल 30, 40, 50, कहाँ से बचाएगी वो? तो भी मैं बोलता हूँ कि उसने बहुत सारा प्रयास करके बहुत लोगों को बाहर निकाला, यानी ये सब तुम लोगों को लगेगा कि मैं कालसेकर की कालसेकर का मेरा कुछ, मैं जिंदगी में उस हॉस्पिटल में गया हूँ ना, कभी बिल के लिए फ़ोन भी करता हूँ, मेरी वो कोई नहीं, लेकिन इस शहर को संभालने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। एक तो पहली चीज़ मैं डॉक्टर से फिर से एक बार अपील करूँगा कि जरा भी फीवर लगा तो रोक उसको, तुम दवाई दो ही मान, उसको बोला भाई पहले भाग टेस्ट करवा, फिर में वो निमोनिया पे चला जाता है, उसकी सांस फूल जाती है, जाते जाते कोलैप्स। अब दूसरी बात,
अभी 35 पेशेंट उधर एडमिट है, कितने रहे डॉक्टर? 31 पेशेंट स्टेडियम में एडमिट है, उसमें से 4 लोगों को हमने डिस्चार्ज कर दिया है, अच्छे होके वापस चले गए। ये कोई इतना डेंजरस खेल नहीं है, यानी जितना इसको बताया गया है उतना, पर इसके कुछ कानून जो है वो पालना पड़ेगा। जैसे आपको हुआ है, आपको लगता है, तुरंत अपने आप को म्यूनसिपाल्टी के हवाले कर दीजिए, हम म्यूनसिपाल्टी वाले आपको जहाँ पहुँचाना है सब एकदम अच्छी तरीके से कर दीजिए। समझो अभी मुझे हुआ है, ये दो लोग मेरे बाजू में हैं, इन्होंने तुरंत जाके अपने आप को क्वारंटाइन आइसोलेशन में डाल देना। मालेगांव का देखो, बराबर आए कंट्रोल में, मालेगांव समझो भिवंडी का और अपना मुमरा का और मालेगांव का रिश्ता है, मालेगांव कैसे कंट्रोल में है, लेकिन लोग अगर सुनेंगे ही नहीं तो फिर कैसा चलेगा? देखो मैं ये हक से इसलिए बताना चाहता हूं कि मुझे भी ऐसा ही हुआ ना, ये तो आपकी दुआएं थी जो मैं बच गया, वरना बचने की कोई मेरी उम्मीद ही नहीं। जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि 2 महीने के बाद घर से बाहर गिरो, तो भी आपकी प्यार मोहब्बत मुझे घर में रुकने नहीं देते। आज मेरी ताकत इतनी कमजोर है कि मैं बैठे बैठे ऐसा हिल रहा हूं, 12 किलो वजन निकल गया, लेकिन शहर को बचाना है तो फिर मेरे हालात क्या है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है, 50 सिलेंडर कल सुबह आ जाएंगे तो वो एक शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे तरफ से और एक 10 वेंटिलेटर हम लोग कालसीकर को दे रहे हैं, तो उधर के वेंटिलेटर दे चुके हैं आप? 4 पहले दे चुका है, 20 बेड दे चुके हैं, 20 बेड दिए हैं, और एक ऑक्सीजन देने की एक जबरदस्त नवी मशीन न्यूजीलैंड से आई है। हमारा प्रयास ये है कि मुमरा में कम से कम 100 मशीन लग जाए, अगर ये 100 मशीन लगती है तो फिर जाना बहुत मुश्किल है। अभी लोग हाई डायबिटीज के पेशेंट है मुमरा में, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, और घर पे ही इलाज कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने दरोज अपील करनी चाहिए, आपके चैनल्स लोग देखते हैं कि भाई घर में मत बैठो, बीमारी ते अंगावर काढण्याला काय म्हणतात हिंदी मध्ये, मला काय बोलते येत नाही व्यवस्थित, यानी अपने आप डॉक्टर मत बनो। आपको लगता है बुखार है, तुरंत उठो और जाओ, यानी रुपये में आपका दवा, लेकिन 4 दिन जाने के बाद फिर 50,000-60,000, क्योंकि जो मशीन है वो 1-1 करोड़ की मशीन है, उसका खर्चा तो निकाल मुझे देना ही पड़ेगा। मैं स्पेशल कैंप लगवाऊंगा चांदनगर रिहान का एरिया, जहाँ से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं उस एरिया को कॉर्डन करके उस एरिया से लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि अपने को उधर से मदद हो जाए, यानी पेशेंट कम हो जाए। अगर धारावी के पेशेंट कम हो सकते तो मुमरा के क्यों नहीं हो सकते? अगर मालेगांव के पेशेंट कम हो रहे हैं तो मुमरा के क्यों नहीं हो सकते? लेकिन हम कानून मानेंगे ही नहीं, हम लोगों का सुनेंगे ही नहीं, लोग पागल है, बोलने वाले को क्या अक्कल है। जैसे कल एक औरत को गोसावी ने फोन किया कि आपके घर में एक पॉजिटिव है, आप 4 लोग घर में हैं, तो आप अलग हो जाइए, क्वारंटाइन हो जाइए। उसने गोसावी को धमकी दी, मैं FIR करूंगा, आप कौन होते हो मेरे पति को हॉस्पिटल ले जाने वाले, क्या बोलेंगे? यानी हमारे अधिकारी कैसे भी हो, आज जान की जोखिम लेके हॉस्पिटल में घूम रहे हैं ना, विदाउट PPE किट, ये भी कुछ नहीं उनके हाथ पे। सब डॉक्टर्स PPE किट जाते हैं, नर्सेस PPE किट जाके लेके जाते हैं, गोसावी कोई पहनता है कुछ? तो आपको कम से कम ये तो समझना चाहिए कि जिम्मेदारी से या अधिकारी प्यार मोहब्बत से अपने लिए कर रहे हैं। कौन निकला ये व्हाट्सएप पे जो लिख रहे हैं, कभी कोविड का ये 3 महीना हो गया घर से निकले क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सब व्हाट्सएप पे खेल खेलने वालों को, कौन सा खाने का पैकेट आपने गरीबों के हाथ में जाके दिया है? हम लोग इतने हक से बोलते, इसकी वजह है कि हम लोगों ने पैकेट, ये मालूम कि हम मौत के नजदीक जा रहे हैं तो भी पैकेट घर घर में बांटा है। दिल्ली का 40,000, ये व्हाट्सएप पे मजा लेने वाले घर से नीचे नहीं उतरते, ग्लोव डाल के घर में ही बैठते, ग्लोव से ही वो ऑपरेट करते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त पे राजनीति नहीं की जाती, वक्त वक्त का एक ये तकाजा रखना चाहिए कि कौन से वक्त पे हम क्या कर रहे हैं।
अभी ये हॉस्पिटल हमने इमरजेंसी करके अगस्त नहीं तो सितंबर में ये हॉस्पिटल खुल जाए, जिसको एक साल और रखता ऑक्सीजन लाइन के लिए। इमरजेंसी में मैं और कमिश्नर ने बैठ के सब टेंडर्स फाइनल करवाए, अभी इसका काम शुरू हो जाएगा सितंबर के शुरुआत और सितंबर में ये हॉस्पिटल पूरा हो जाएगा। इसका सोलिंग चालू है स्टेडियम का, वो 8-10 दिन में वो भी फाइनल होके वो भी खड़ा होने को शुरुआत हो जाएगा। कितना बेड होता है? 500 बेड तो है, वो उस साइड है, वो एक पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट ICU, लेकिन जो कोविड वेंटिलेटर्स करके हैं वो 100 है और 150 ऑक्सीजन है। और मेरा ख्याल अपनी बराबर है कि यानी तुम अगर गलती है तो बताना कि ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है। अगर ऑक्सीजन हम लोग ने सही रखा सब जगह पे ऑक्सीजन रूम्स, तो वेंटिलेटर बहुत कम लगे, बहुत कम वेंटिलेटर पे लोग बहुत कम जाते हैं, बहुत कम। अगर ऑक्सीजन टाइम पे मिला बराबर है ना, तो वेंटिलेटर पे जाने की उम्मीद यानी ये बहुत कम है। तो मेरा प्लानिंग ये है कि हमरा में ऑक्सीजन के रूम्स बढ़ा दें। और जाते जाते से मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि मुझे आज पत्र है कि कब्रिस्तान बनाया। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सेवा की होगी मुंबरा शहर की तो इस कब्रिस्तान ने। ये सोचो कि अगर ये कब्रिस्तान नहीं होता तो इस शहर के हालात क्या होते। आज पूरा दरवाज़ा खुला है, लोग भिवंडी से आ रहे हैं, लोग कुर्ला से आ रहे हैं, लोग पनवेल से आ रहे हैं, हम लोग किसी को भी रोक नहीं रहे। क्या हो भाई कपड़ा ना, हम उसको पूछ रहे हैं तू किधर का है क्या है। एक बार उसका इस धरती से रिश्ता ऊपर वाले ने ख़त्म कर दिया तो उसको जहाँ जाना है वहाँ हम उसको मदद करें। हमारे नेता माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के आदेश अनुसार आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तय की गई थी, जिसमें शहर के तमाम डॉक्टर, हमारे नगर सेवक, हमारी नगर सेविकाएँ, हमारे पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, शहर के बहुत सारे NGOs के लोग मौजूद थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से COVID-19 को लेकर के आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं शहर में, उस फिक्र को लेकर के मंत्री जी आज खुद दौरे पे आए थे और आकर के उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें तमाम डॉक्टर्स और जो लैब के जहाँ पे खास करके एक्सरे होता है, तो एक्सरे रिपोर्ट जो आती है उसमें चेस्ट यानी जो लेंस होता है वो कितना इफेक्टेड है, कितना अच्छा है, वो मालूम पड़ जाता है। बहुत सारे लोगों की पोजीशन नहीं होती है कि 4500 रुपये दे करके, 3000 रुपये दे करके वो जा करके वो इन्फेक्शन में या जा करके कहीं वो लोग शॉर्ट टेस्टिंग कराएं, इसलिए वो एक्सरे रिपोर्ट से मालूम हो जाती है। तो एक्सरे रिपोर्ट के लिए एक हमारे मंत्री जी की तरफ से ऐलान हुआ है और हम लोग भी यहाँ मौजूद थे। मंत्री जी ने कहा है कि जो लैब वाले लोग हैं उनका उनके पास में जो मुस्तहिक लोग हैं, परेशानी के हालत के लोग हैं, वो लोग वहाँ जाएं और जा करके वहाँ पे वो लोग अपना एक्सरे रिपोर्ट फ्री में कराएं। उसके अखराजात जो हैं, जो उसके खर्चे होंगे, वो मेरे ट्रस्ट इत्तेहादुल्फित ट्रस्ट पे करेगी। लेकिन अगर आपको एक्सरे रिपोर्ट कराना है तो आपके कोई कंसल्टिंग डॉक्टर से आप उनके साथ में उनके पास जा करके आप दिखाएं कि आपकी पोजीशन क्या है, आपको आपका एक्सरे करना है या नहीं करना है। अगर डॉक्टर आपको एक्सरे करने के लिए कह रहा है तो डॉक्टर के पास से आप उसका लेटर पे लिखा करके ले लीजिए और जा करके आपके नज़दीकी लैब पे दे दीजिए और वहाँ आपका रिपोर्ट हो जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।